मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं ऑटो रिक्शा के साथ वाबस्ता हूँ और मैं यूनियन कमेटी के साथ भी वाबस्ता हूँ। मसला हमारा यूँ है कि हमारे जो ऑटो है ये 1975 से चल रहा है, तो आज तक मुझे लग रहा है हमारे ऑटो में 8 कागज़ हैं जिसके कम से कम प्राइस बनता है 30,000 रुपये एक ऑटो का, एक साल का। ठीक है सर, मसला यूँ है, एक डेढ़ साल से हमारे ये ई रिक्शा आ रहे हैं यहाँ पर, मगर जो यहाँ के लाल बाजार के ऑटो साहब थे उस वक्त 65 ई रिक्शा चल रहा था, तो हम गए उस ऑटो साहब के पास, हमने उस ऑटो साहब से बात की कि बोला सर हमारे भी गुजारा इसी पे चल रहा है कि हमारे भी देखो हमारे बाल बच्चे भी हैं। उस ऑटो साहब ने हमको बताया कि आप घबरा मत, मैं उनको रूट उस निकालूंगा। फिर उस ऑटो साहब ने 65 रूट निकाले जो लिंक रूट की तरफ जहां पर गाड़ियां नहीं जाती हैं, उन्होंने बताया हम उनको वहीं चलने देंगे, मगर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे लग रहा है हमारे 15,000 ऑटो है यहाँ, अब तो हर कोई ई रिक्शा ला रहा है, चाहे वो मस्जिद की कमेटी हो या डॉक्टर साहिबान हो या कोई भी बड़ा तबका हो, वो उनको ड्राइवर्स रखते हैं, मगर ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये गरीब लोग जो ऑटो रिक्शा चला रहा है इनको क्या बनेगा। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर ये राशन कार्ड पे हर एक को 4 किलो देता है तो उनको भी सोचना चाहिए हर फैमिली को एक ऑटो देंगे। मसला यही है, आप देखो ई रिक्शा वाले जो ऑनर्स है एक एक के पास 5-5, 10-10 ऑटो है, यहाँ पर हब कदल में आप देखो वहाँ 8-10 मस्जिद कमेटी के पास हैं, मगर मसला ये है वो तो निकलता है 1.5 लाख का, ये हमारा ऑटो 5 लाख का बनता है। ठीक है सर, पहले इनको सोचना था कि हमारे ऑटो को क्या बनेगा, अगर इनको निकालना था ई रिक्शा तो हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट के साथ उनको बात करना था, आप ई रिक्शा पर ले लो ये ऑटो हमको वापस दे दो, तो ये कम से कम 15,000 15 से 20 हज़ार। अब हमें ये बताओ कि आप ये मानने के लिए बहुत सारे आपके भी ऑटो ड्राइवर्स हैं, जब उनका रोजगार कुछ नहीं बनता है वो क्या करेगा, वो तो 1.5 लाख 2 लाख ऑटो को घाटा करेगा भेजेगा, मगर मसला तो वो मत है, मसला जो है जिन्होंने पैसा ज्यादा में ऑटो खरीदा है, मसला उनका सोचना चाहिए इनको क्या आएगा बिना ऑटो को, ये तो 5 लाख का ऑटो था अब इनको 2.5 लाख रुपए आ रहा है। मसला ये है हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, जो हम बोलते हैं जो ई रिक्शा है ना वो अपने रूट पे चले, उनको वहाँ से बराबर सिटी का लगाओ, जैसे डिस्ट्रिक्ट का गाड़ी अलग आ रहा है वैसे रूट का भी गाड़ी ऑटो रिक्शा जो है ऐसे ही चलना चाहिए। उसको प्रेफर करते हैं लोग, इसलिए उसको प्रेफर करते हैं कि उनका रेट कम है, 20-20 रुपए कम है, मगर हम भी बोलते हैं अगर हमको भी इजाज़त दे ऑटो साहब हम भी बनेगा 20-20 रुपए, ऐसा मसला नहीं है, हम तो लेता है जहांगीर चौक से डलगेट तक 80 रुपए, वो लेता है 100 रुपए, 5 सवारी बढ़ता है, आप छुप कर, वो लेता है 100 रुपए, हम लेगा 60 ही रुपए, वहाँ से 60 लेगा यहाँ से 60 लेगा, 120 हमको भी बनेगा, मगर परमिशन की ज़रूरत है। अगर वो भी हमको बोलेगा ना सर कि आप भी चलो 20-20 रुपए पे, हम चलने के लिए तैयार हैं, मगर बात ये है सर डॉक्यूमेंट्स का, ये जो डॉक्यूमेंट्स 8 डॉक्यूमेंट्स हमारे को हैं ये कैंसिल कर दो, हम भी चलेगा 20-20 रुपए में, बाकी हमारे साथ कोई मसला नहीं है, हमें ई रिक्शा वालों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि अब तो ज़्यादा ला रहे हैं ई रिक्शा, उनको भी बेचारे काम कम हो रहा है, मसला यही है बस।